नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान की सियासत में ईडी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार की जांच की और ईडी सीबीआई को लेकर जिस तरीके से नौटंकी की जा रही है उसको लेकर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है और बताया कि किस तरीके से आज ईडी सीबीआई के माध्यम से विपक्ष को, गरीबों को, विपक्ष के नेताओं को कैसे परेशान किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसको मैं आपको बताऊं दर्शकों, लेकिन उससे पहले वीडियो सुनाऊंगा कि कैसे सीएम अशोक गहलोत मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं ईडी सीबीआई को लेकर, जरा गौर से सुने। चिन हो गया बिजली का, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल कैंप लगे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उससे 6 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बढ़ गए हैं, 1.5 करोड़ परिवार जुड़ गए अभी तक। तो ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल से पहली बार देश के अंदर कहीं पर हुआ है जहाँ हम चाहते हैं कि योजना जो है बजट घोषणा है उसका लाभ हर परिवार तक पहुँचे, इसलिए कैंप लगाए जा रहे हैं। वरना 60-70% तक जाके रुक जाता है, कई लोग अनपढ़ होते हैं कि लोग पता ही नहीं क्या क्या सरकार दे रही है, हमें योजना क्या है क्या नहीं है जानकारी नहीं होती है, ये कैंप सबकी जानकारी करवा रहे हैं। ठीक है, एक वो ईडी में बार बार यहाँ ईडी का प्रवेश हो रहा है राजस्थान में लगातार, ये सारी देखो तो मैंने पहले ही कहा था कि ईडी का इंतजार हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव देश में हुए हैं सब जगह ईडी जाती, पहले उनको लिस्ट दी जाती है, दबाव में ईडी काम करे उचित नहीं है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। हाँ, अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टियाँ होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, लिस्ट देके भेजते हैं। सुना मैंने वो कहते हैं अब इसमें देखो कौन कहाँ कहाँ जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ये परंपरा उचित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को, इनकम टैक्स अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दबाव में काम नहीं करें। आपने भी शपथ ली है नौकरी के वक्त में, आपका दायित्व है, जैसे हम लोग राजनीति में हैं उसी ढंग से आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें, न्याय सुनिश्चित करें सबके सामने साथ में, और दबाव में नहीं आए बस, मेरा इतना ही कहना है। सर, जनता को बड़ी राहत मिल रही है, अब कई क्या नई योजना आपको होगी जनता के लिए कोई विशेष? अब आगे मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है तो बताएंगे हम और क्या करें। थैंक यू। सुना आपने, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों के मन में क्या है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग चाहते क्या है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वाकई में ईडी सीबीआई का जो टॉपिक है क्या वो राजस्थान में भी हम सबको दिखेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी नेता भी हैं, लेकिन वहाँ ईडी सीबीआई जांच तो नहीं करती, यह हकीकत है। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर रही है, ऐसा विपक्ष का मानना। लिहाजा अब यही देखना पड़ेगा कि चुनाव के दिन नज़दीक है, मोदी सरकार भी गए थे तो अशोक गहलोत पर हमलावर हुए थे और वो ईडी सीबीआई को लेकर इन पर कर रहे हैं, तो क्या अब भी मोदी सरकार के नेताओं की जाँच हो पाएगी, क्या वाकई में उनके विधायकों की जाँच हो पाएगी, और अशोक गहलोत ने जो किया है क्या इसका जवाब बीजेपी दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राजस्थान की राजनीति में ईडी सीबीआई का कोई बहुत बड़ा खेल हम सबको देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।